हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल विश्वकर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कोड का डोज। सो इस वीडियो में हम देखेंगे वीएस कोड का एक्सटेंशन जिसका नाम है थंडर क्लाइंट, जिसको यूज़ करके आप रेस्ट एपीआई को अपने वीएस कोड के अंदर ही टेस्ट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ पोस्टमैन आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज पोस्टमैन में आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है एंड अलग से एक विंडो ओपन करना पड़ता है टू टेस्ट योर रेस्ट एपीआईज। एंड ऑल्सो आई फील्ड लाइक पोस्टमैन थोड़ा स्लो है, कभी कभी वो क्रैश भी हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ अगर पोस्टमैन हमको कोई अल्टरनेटिव मिलता है तो दैट वुड बी बेटर। सो लेट्स एक्सप्लोर दी थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन। सो गाइज, पहले हम लोग अपना वीएस कोड ओपन कर लेंगे एंड वीएस कोड ओपन करने के बाद थंडर क्लाइंट प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सो कोई भी प्लगइन अगर वीएस कोड में आपको इंस्टॉल करना है तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। तो एक सर्च विंडो ओपन हो जाता है जिसमें आपको थंडर क्लाइंट सर्च करना है। सो यहाँ पे देखोगे तो थंडर क्लाइंट आ गया। सो ऐसा आइकन दिखेगा आपको थंडर क्लाइंट का। सो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो मैंने ऑलरेडी ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको कुछ ऐसा आइकन दिखेगा थंडर क्लाइंट का। सो ये मैं क्लोज कर देता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट आइकन आपको एक ऐसा साइड बार में एक विंडो ओपन होगा। सो ये थंडर क्लाइंट का विंडो है। सो गाइज, मैं पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको इसके यूआई का। सो उसके लिए पहले मैं न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैं न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक वेलकम एपीआई मिल जाता है थंडर क्लाइंट से टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे रिस्पांस मिल गया। तो ये जो एरिया है उसका एक रिक्वेस्ट का एरिया है और ये जो एरिया है उसका रिस्पांस का एरिया है। सो गाइस, और भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी एरिया मिल जाता है। तो एक्टिविटी एरिया में आप जो भी एपीआईज हिट करते हैं उसका एक हिस्ट्री क्रिएट होते जाता है। तो अगर ये हिस्ट्री का लॉन्ग लिस्ट रहेगा तो उसके लिए एक सर्च बॉक्स दिया है, आप उसको फिल्टर करके देख सकते हो आपने कौन कौन से एपीआईज यूज़ किया है। सो नेक्स्ट जो फीचर है इसका जो है कलेक्शंस है। तो कलेक्शंस गाइस, अगर आपको बहुत सारे एपीआईज को एक साथ ग्रुप करके रखना है तो आप कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। सो इसका एक डेमो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट गाइस है इसका एक ईएनवी फीचर है। ईएनवी ईएनवी में आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हो। सो वेरिएबल का यूज़ जो होता है गाइस, अगर आपको मल्टीपल जगह सेम चीज़ें यूज़ हो रही है, रिपीट हो रही है, तो आप उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल गाइस, आपका जो रेस्ट एपीआईज होता है उसके अंदर जो बेस यूआरएल होता है वो कॉमन ही होता है सारे एंड पॉइंट में, तो आप उसका एक वेरिएबल क्रिएट करके रख सकते हो और सारे जो रेस्ट एपीआई के एंड पॉइंट है उसमें आप वो यूआरएल यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूआई। सो अभी हम इसका एक डेमो देखते हैं। सो गाइज, फॉर डेमो हम लोग एक डमी रेस्ट एपीआई ले लेते हैं जो हमको इस वेबसाइट से मिल जाता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट इन। यहाँ से आपको देख सकते हो लिस्ट ऑफ रेस्ट एपीआईज, ये सारे डमी एपीआईज है, आप यहाँ से उठा सकते हो। तो मैंने सपोज़ ये एपीआई उठा लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं एंड इसको अगर हिट करते हैं तो नाउ वी आर गेटिंग रिस्पांस। और इसमें देख सकते हो आप स्टेटस को 200 साइज लिमिट, जो भी आपको लाइक पोस्टमैन में जैसा मिलता था ऑलमोस्ट सेम है इसमें। एंड अगर सपोज़ यहाँ पे मैं कोई टेस्ट लिखता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे टेस्ट कैसे लिखना है अपने रिस्पॉन्स का, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सपोज़ रिस्पॉन्स कोड मुझे इक्वल टू 200 चाहिए और उसको वापस हिट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरा टेस्ट पास हो गया है। लाइक दैट आप अपने और भी टेस्ट केसेस लिख सकते हो। सो नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हो यहाँ पे एक्टिविटी में सारे लॉग्स हो रहे हैं जो भी एपीआई मैं हिट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हो कौन कौन सी एपीआई आपने हिट किया है। तो नेक्स्ट है कलेक्शंस गाइस। तो कलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि आप बहुत सारे एपीआईस को मिला के एक कलेक्शन ऑफ एपीआई बनाते हो, तो यहाँ से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने पोस्टमैन के एपीआईस लाइक जो भी कलेक्शंस है वो भी इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे आपको एक नया कलेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज़ डेमो कलेक्शन इसका नाम दे देते हैं एंड इसके अंदर अगर मुझे सपोज़ कोई न्यू रिक्वेस्ट ऐड करनी है तो मैं इसमें ऐसे ऐड कर सकता हूँ। और सपोज़ गाइस, आप कलेक्शन के अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज बनाए जाते हैं, लाइक आपके गेट एपीआईस को एक साथ रखना चाहते हैं, पोस्ट एपीआईस को एक साथ रखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर भी अलग से फोल्डर बना सकते हैं। सपोज़ इसका नाम मैं देता हूँ गेट एंड इसका नाम एक और मैं बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं पोस्ट। तो ये मेरे दो फोल्डर है जिसके अंदर सारे गेट रिक्वेस्ट रहेंगे और पोस्ट के अंदर सारे पोस्ट रिक्वेस्ट रहेंगे। तो ये जो गेट वाला है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ गेट के अंदर। तो ऐसे आप अपने कलेक्शंस बना सकते हैं।
एंड उसके बाद आता है ENV। ENV जो होता है, मैंने जैसे बताया कि आप बहुत जगह सेम चीज़ें यूज़ कर रहे हो, अगर वो रिपीट हो रही है तो आप उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि जो बेस यूआरएल होता है APIs का, उसके लिए आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ ये API है, इसका बेस यूआरएल ये है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक आपको वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे न्यू वेरिएबल, इसका नाम देता हूँ मैं डेमो, एंड डेमो के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ URL, एंड इसको मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ ये इसका बेस URL, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो अपना बेस URL सेव हो गया, वेरिएबल जिसका नाम है URL। अब मुझे ये URL यूज़ करना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस बेस URL मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल। तो वेरिएबल यूज़ करने के लिए हम लोग ऐसा ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं वेरिएबल का नाम पास करूँगा। ना अगर मैं हिट करता हूँ API, स्टिल आई एम गेटिंग द रिस्पॉन्स, इट मीन्स मेरा वेरिएबल सही से सेव हुआ है। सो या गाइज, इसमें काफ़ी कूल फीचर्स हैं, लाइक जैसे हमको पोस्टमैन मिलते हैं, ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर मिल जाते हैं। तो बिकॉज ये लाइट वेट है, इसलिए इसमें बहुत सारे फीचर्स अभी नहीं हैं, और अभी ये लॉन्च हुआ है, तो मे बी इन फ्यूचर हमको और भी फीचर्स देखने मिलेंगे। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा, हमें मिनिमम फीचर मिल जाता है थंडर क्लाइंट में। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए लाइक डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग, तो आप पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको मिनिमम फीचर्स चाहिए एंड लाइट वेट सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसके लिए आप, आई वुड सजेस्ट आप थंडर क्लाइंट यूज़ कीजिए। सो गाइज, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट थंडर क्लाइंट? यू कैन राइट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय।